हर हर महादेव। झांसी उत्तर प्रदेश से अखिल ठाकुर हैं, इन्होंने जो एक प्रश्न किया हुआ है कि मेरा प्रश्न है कि दुर्गा सप्तशती में ये जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है इसका हम जो है संस्कृत में तथा हिंदी में पाठ करते हैं, मैंने बहुत पाठ किए हैं परंतु अभी तक कोई फल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? देखिए इनका प्रश्न है, ये प्रश्न केवल इनका ही नहीं है, बहुत से हिंदुओं का, हम सभी सनातनियों का ऐसा प्रश्न बन जाता है कि हम बहुत दिनों से अमुक देवता की, अपने इष्ट देवता की साधना कर रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इसका क्या है? ऐसी ही निराशा पिशाची को कैसे हटाया जाए? तो इस पर विचार करिए। देखिए कि कर्म करने का फल कब मिलता है, कब अदृष्ट उत्पन्न होता है, तो देखें सर्वप्रथम तो उस जो कर्म आप कर रहे हैं वो उसके आप अधिकारी हैं या नहीं, वो कर्म किस प्रकार करना चाहिए आप विधि विधान पूर्वक कर रहे हैं या नहीं, आप उस कर्म के करने का जो समय है उस पर कर रहे हैं या नहीं, फिर आस्था इत्यादि रख करके कर रहे हैं या नहीं, कई नियम है भाई पाठ कैसे करना चाहिए, गीति शीघ्र शिरा कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठका धमा, इन पाठकों को अधम बतलाया गया है ना, गा गा करके पाठ करना, शीघ्रता से पाठ करना, सिर को हिला करके, अंग प्रत्यंगों को हिला करके पाठ करना, अपने लिखे हुए का पाठ करना या अब्राह्मण के द्वारा लिखे हुए का पाठ करना, और अनर्थज्ञ जिस जिसका हम पाठ कर रहे हैं उसका हमको अर्थ नहीं पता है, अल्प कंठ से वह धीरे धीरे पाठ कर रहे हैं, ये पाठ अधम बतलाए गए हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा में, इसलिए इस तरीके से पाठ नहीं करना है। और पाठ करने का व्यक्ति अधिकारी कब होता है, जो पाठ का आ गया इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, तो ब्रह्म यज्ञ का अधिकारी तभी है कि प्रातः काल स्नान आदि करके संध्या वंदन करके और फिर ब्रह्म यज्ञ किया जाए तब उसका फल होता है। तो या कोई काम्य स्तोत्र आदि का पाठ किया जाए किसी कामना से, वो भी संसार में शास्त्रों में बतलाए गए जो भी कार्य हैं वो कोई भी करते हैं, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनुपनीत है तो उनको संध्या वंदन करके ही करना चाहिए, अन्यथा उनका पूर्ण फल नहीं मिलता। और जो अनुपनीत हैं, जो उपनीत नहीं है, तो उन लोगों को यज्ञोपवीत करके करना चाहिए, अन्यथा उसमें न्यूनता अधिकता हो जाती है, ये नियम है। और फिर फल कब मिलेगा, इसमें कई हेतु हैं, जो अदृष्ट उत्पन्न होता है पूर्व मीमांसा के अनुसार और वो फिर भगवत कृपा से फल देने में समर्थ होता है, तो फल कब मिलना है इसको तो भगवान ही जानते हैं, कोई भी शास्त्रों में हमारे यहाँ ऐसा नहीं बतलाया गया कि ऐसा करने पर और वो इतने दिन बाद उसको ये फल मिल जाता है, क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं कहा हुआ है कि व्यक्ति कर्म करे माँ फलेषु कदाचना, फल में उसका अधिकार नहीं है, कर्मणे एव अधिकारस्ते, कर्मणे ते अधिकार कर्मणि एव, कर्म में ही है न तो फले, फल में अधिकार नहीं है, फल में तो भगवान का अधिकार अभी कब देंगे। और एक दृष्टिकोण से देखें तो एक धर्मा धर्म पर विचार करें कि दोनों ही बलवान है, धर्म भी बलवान है और अधर्म भी बलवान, तो किसी का यदि अधर्म बलवान हुआ, किसी का ऐसा कर्म विपाक हुआ तो उसको काटने में भी तो फल मिलेगा, उस समय लगेगा, जो आपने कर्म कर दिया, कोई दुष्कर्म है आपके अनंतानंत जन्मों में, किसी भी जन्म का आपके जो कर्म दुष्कर्म का फल आपको प्रकट होने वाला है, आप सत्कर्म कर रहे हैं तो वो रुक जाएगा, वो कट जाएगा सत्कर्म से और पाप क्षीण हो जाते हैं, तो इतने पाप हैं या कोई ऐसा कर्म हमसे बन गया है तो हमारे सत्कर्म पहले तो उसको काटेंगे ना, तब हमें फल, वांछित फल की प्राप्ति होगी,
तो यही मानना चाहिए, उस देवता की कृपा ही माननी चाहिए। और हो सकता है कि हमें कोई अभी फल मिल जाए तो वो तात्कालिक हो, थोड़ा हो, और भगवान कुछ और, देवता देवी कोई और फल देना चाहते हैं, चाहती हैं कि इसको और महान फल मिले, ज़्यादा मिले, बाद में मिले, तो ये इस तरीके से उसको संतोष रखना चाहिए, तितिक्षा रखनी चाहिए, देवताओं में आस्था कम नहीं करनी चाहिए, आस्था को बढ़ा लेना चाहिए। ये बतलाया गया है श्रीमद् भागवत में, प्रसंग ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप उसको सुनिए, देखिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, ध्यान देना, जिस पर मैं अनुग्रह यानी कृपा करता हूं उसका पूरा धन हरण कर लेता हूं और कुटुंब से उसकी लड़ाई करवा देता हूं, कोई भी नहीं रहता उसका, सब जगह दरवाजे बंद कर देता हूं, तब वो जो है मेरी शरण में आता है, फिर मैं उसको अपना लेता हूं। तब भी वो साधना नहीं छोड़े। अगर वो व्यक्ति जिस पर भगवान कृपा करना चाहते हैं और वो डर गया, भगवान ने तो उसका धन हरण कर लिया, परिवार वालों से उसकी जो है बिगाड़ दी, सब जगह उसको हानि हो रही है, कोई भी उसका अपमान भी कर दे रहा है, लेकिन भगवान इसी प्रकार से उस पर कृपा करते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, यस्या हम अनुग्रहणामी धरस्ते तद धनम हि शनै शनै, उसका धीरे धीरे मैं धन हरण कर लेता हूं। तो अगर कोई ये समझ बैठा कि भगवान तो प्रभु हम इतना साधना कर रहे हैं फिर भी जो है हमको ये कष्ट मिल रहा है, छोड़ दे, तो साधना छोड़ देता तो भी छोड़ दिया। उसमें लिखा हुआ है कि सम दम नियम नीति नहीं डोले और परुष वचन कबहूं नहीं बोले। साधक के लिए ये बतलाया गया है कि सम दम नियम और नीति तितिक्षा, इस धर्म का जो कभी परिवर्जन नहीं करते, परुष वचन कबहूं नहीं बोले, कभी भी किसी के लिए कठोर वचन नहीं बोलते हैं, ऐसे पर भगवान कृपा करते हैं, तो अपने देवता के प्रति अनास्था भाव कभी न रखें, हम सब के लिए ये है। और शास्त्रों में इस तरीके की निराशा पिशाचनी को हटा करके आशा कर्पलता को उद्भूत करना चाहिए, पल्लवित और पुष्पित करना चाहिए, ये मन में रखना चाहिए कि भगवान हमारे देवता देवी हमारे किसी महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही, हमारे पर कृपा करने के लिए ही वो ऐसा कर रहे हैं, और इसमें ही हमारा हित होगा। हमको लगता है कि हमारा हित इसमें है, हम किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं अभी किसी के लिए, और इसमें हमने कितना जो है कार्य किया, कितना जप किया, नहीं लगा, और कुछ दिनों बाद और उससे भी बड़े पद पर आपको बिठा दिया गया, तो तब लगता है कि देखिए कि उसमें हम तो इतनी उतावली कर रहे थे, चाह रहे थे कि इसी यही मिल जाए, लेकिन देवी ने उसमें इसीलिए नहीं दिया, भगवती ने भगवान ने इसीलिए नहीं दिया कि हमको और आगे बढ़ाना था, तेरे मन कुछ और है और दाता के कुछ और, बलि चाहते थे कि स्वर्ग का राज्य मिल जाए, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान उससे भी श्रेष्ठ सुंदर और अपना सदा दर्शन करा देने वाला ऐसा सुतल लोक का राज्य दे दिया, तो उसे भी अच्छा हो गया उनके लिए। तो मन में हमारे लिए कुछ है और कुछ भगवान के मन में क्या है वो होगा ना, तेरे मन कुछ और है और दाता के कुछ और, तो वो दाता के मन की ही होनी चाहिए। और इस तरीके से भगवान पर वजन ना डालें कि आप जल्दी करें और हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिद्दी स्वभाव वाले, वो ऐसा करते हैं, वो जो समझदार होते हैं वो पिता की माता की गुरु की अनुकंपा की प्रतीक्षा करते हैं, तो वो ही श्रेष्ठ होते हैं। तो हमें इस तरीके से आशा रखनी चाहिए कि जो कर्म है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गरुड़ पुराण कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ और अशुभ कर्म जो करता है उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। आप कोई भी दुष्कर्म करें और चाहें कि हमको इसका परिणाम न मिले, अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार सत्कर्म, कोई भी साधना, यदि कोई भी आप साधना करते हैं तो वो साधना मैं ब्याज के आपको प्राप्त होगी। आपका समय है कब मिलेगा ये जो आपकी इच्छा नहीं है, इसमें भगवान की इच्छा है, मिलेगा जरूर, वो साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, तो वो साधना में ब्याज भी मिलता है।
तो भाई ब्याज की चर्चा कहीं शास्त्रों में तो हमने देखी नहीं। भक्तिमती मीरा जी ने अपने पद में जरूर बतलाया है कि इतना ब्याज मिलता है। वो कभी बोले खूट है ना छूट है, चोर न लूट है, दिन दिन बढ़त सवाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। दिन दिन प्रतिदिन चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार, प्रतिदिन चक्रवर्ती मासिक नहीं आहिक, आहिक चक्रवर्ती ब्याज है वहां कि जो भी है उसका दिन दिन बढ़त सवाया, आज सवाया हो गया और जो भी है उस पर फिर ब्याज चला, कल और सवाया और जो हुआ उसका फिर सवाया, इस तरीके से सवाया होता रहता है प्रतिदिन दिन दिन बढ़त सवाया। मीरा जी झूठ थोड़ी कह रही हैं, उनको वो तो भगवत प्राप्त जो है भक्ता है उन्होंने बतलाया। तो भगवान की साधना इस तरीके से वो कब बढ़ती है, जब वो साधना भगवान को समर्पित कर दी जाए। हरि है समर्पे बिनु सत्कर्मा, यदि कोई सत्कर्म किया और वो भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो सत्कर्म क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम कोई भी साधना करें, कोई भी जप करें और अंत में कहें तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, तत्सत शिवार्पणमस्तु, तत्सत जगदम्बार्पणमस्तु, तत्सत गणपत्यर्पणमस्तु, जिसके लिए जो भी जप किया जाए वो उसको ही समर्पित कर दिया जाए, तो वे देवता फिर शीघ्र कृपा करते हैं, अवश्य करते हैं। तो इस तरीके से आप आशा रखें, तितिक्षा रखें और साधना में कोई भी न्यूनता न आने देवें। ये ही हमारा शाश्वत सनातन धर्म है। हर हर महादेव।